बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, दिल्ली सेवा विधेयक को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है और ये बिल अब पास हो चुका है और कुल मिलाकर दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर कतर दिए गए हैं। ज़्यादातर शक्तियाँ उपराज्यपाल के पास आ गई हैं, खासतौर से सेवा से संबंधित जो हैं नियुक्तियां और तबादले का अधिकार अब उपराज्यपाल के पास रहेगा। इसके अलावा काफ़ी इसमें संशोधन और किए गए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला है और ये कहा है कि पीछे के दरवाजे से इसके ऊपर सुपर बॉस बनने की कोशिश की है केंद्र सरकार ने। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, बीजेपी समर्थक भी हैं। डॉक्टर साहब, अब तो क्या करेंगे केजरीवाल? सबसे बड़ा सवाल ये है। यदि इस पूरे उसको समझना हो तो भारत का संविधान जब बन रहा था वहां से थोड़ा समझना होगा। ए बी सी तीन श्रेणी के राज्य थे, 550-550 रियासतें भारत में मिलनी थी, मिल गई। सरदार पटेल के मेहनत से सब कुछ हुआ, राज्यों का निर्माण हो गया। कुछ सी श्रेणी के राज्य थे, आज की पीढ़ी को आपको भी नहीं पता होगा कि अजमेर भी अलग था, सी श्रेणी का राज्य है। त्रिपुरा था, मणिपुर थे, इस प्रकार से दिल्ली भी थी। परंतु सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू ने मिलके दिल्ली के बारे में बहुत चिंतन हुआ, संविधान सभा में भी हुआ। संविधान सभा में पूरा देश के विशेषज्ञ थे। दिल्ली में ये सबकी इच्छा थी कि दिल्ली सबकी साझी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में कभी ना चली जाए। उन्हें नहीं मालूम था कि 2013 या 15 में कोई ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री आएंगे, पर उन्होंने ये सेफगार्ड किया। अलग से बैठ के पूरी विश्व को नहीं समझा पाए तो नेहरू, अंबेडकर और सरदार पटेल तीनों ने मिलकर तय किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना नहीं है, क्योंकि दिल्ली उस समय आबादी 10 लाख है। दिल्ली क्योंकि इस पूरे देश के लोग यहाँ रहेंगे, विदेशी दूतावास होंगे, दिल्ली का एक स्पेशल स्टेटस रहेगा, जैसे वाशिंगटन अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी जिसको बोलते हो, उसका थोड़ा स्टडी करें तो वाशिंगटन डीसी जो है एक छोटा सा केवल राजधानी के रूप में, पर तो दिल्ली में तो इंडस्ट्री भी, उद्योग भी सब हैं। तो उसी समय तय हो गया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो दिल्ली में उस समय क्या हुआ, दिल्ली में विधानसभा दी गई सी श्रेणी की, जिसके ब्रह्म प्रकाश जी पहले मुख्यमंत्री बने। परंतु उसने 5 साल में ही कांग्रेस का ही राज होने के बाद, नेहरू जी का फुल उस टाइम अथॉरिटी होते हुए भी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश और नेहरू जी में किसी बात पर ठंड गई और ब्रह्म प्रकाश ने अपनी ऐंठ दिखाई, तो नेहरू जी ने विधानसभा को समाप्त किया। क्यों किया? क्योंकि दिल्ली के अंदर ड्यूअलिटी नहीं चलेगी। दिल्ली में एकमात्र राज्य जो केंद्र सरकार होगी, केंद्र मजबूत माना जाए तो कहते हैं ना व्यवस्था ठीक रहेंगी, तो दिल्ली उसमें विघ्न ना डाले, ये उस समय नेहरू जी ने सोचा। 56 में भंग हो गई और कॉरपोरेशन के पास सारे अधिकार थे, जितने भी डीटीसी, बिजली, पानी, सीवर, जितने मेन काम है, और मैं दिल्ली नगर निगम का सदस्य रहा जिसमें सारी पावर्स होती थी, फायर सर्विस, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, सब चीज़ें थी, स्कूल जी। धीरे धीरे परंतु जनसंघ जीत गए 67 में, तो हमारी पूर्ववर्ती थे तो वो भी मांग करते रहे दिल्ली को अधिकार ज़्यादा मिले और पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये भारतीय जनसंघ डिमांड करता रहा। 67 में हमारी सरकार दिल्ली में निगम में भी थी, महानगर परिषद जब तक बन गया था 66। तो एक उदाहरण दूंगा, आदित्यनाथ झा एक ऐसे एलजी थे और विजय कुमार मल्होत्रा जी एक किस्म से मुख्यमंत्री समकक्ष थे। दिल्ली में जो उस 5 साल में जो काम हुआ वो भूतों न भविष्य वाली बात, परंतु आपस का समन्वय कितना बढ़िया था। ऊपर इंदिरा जी हैं, वाई बी चौहान होम मिनिस्टर हैं, विजय कुमार मल्होत्रा जी 34 साल के यंग मुख्य कार्यकारी परिषद, और आदित्यनाथ झा एक मेच्योर्ड ICS अफसर। यमुना और सारी चीज़ें, पहली बार जे कॉलोनियाँ बसाना, पहला पुल बनाना, ये सब हुआ क्यों? समन्वय था। क्या इच्छा थी? देश और दिल्ली को बढ़ाना है।
नहीं डॉक्टर साहब, ये तो जैसे आपने इसलिए कानून में कोई परिवर्तन नहीं था। उसके बाद महानगर परिषद से हम नरसिम्हा राव जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमें 91 में ही एक्ट बना दिया, विधानसभा जिसका मैं सदस्य रहा हूँ 3 बार। 4 प्रधानमंत्री हमने देखे पहली बार में, नरसिम्हा राव जी, गौड़ा साहब, इंदर गुजराल साहब, अटल जी। दिल्ली सरकार में भाजपा है वो अलग अलग पार्टी, वो ठीक है, दोनों विरोधी सरकारें भी रही और समन्वय से काम भी चलता रहा तालमेल से। कानून पे आ रहा हूँ, कोई झगड़ा नहीं था तो कानून वही चल रहा है जो 50s में था, 60s में था कि दिल्ली राज्य नहीं है। यह बात अंडरलाइन यदि मुख्यमंत्री के रहे कि दिल्ली राज्य नहीं है तो दिल्ली को राज्य वाले अधिकार नहीं मिल सकते। लेकिन सवाल ये है ना जी, जैसे आपने नेहरू जी की बात की और अंबेडकर जी की बात की, लेकिन आम आदमी पार्टी आडवाणी जी की बात कर रही है, ये लगातार मुद्दा उठता रहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो भी समर्थक थे, और शीला दीक्षित भी इस बात के लिए कई बार उन्होंने केंद्र से गुहार लगाई कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए दिल्ली को। जी लगाई है मेरे सामने, उन्होंने जो है ना पैदल मार्च भी किया था उन्होंने पार्लियामेंट तक एक बार दिल्ली विधानसभा से। हमने लगाई, हमें भी जब 96 में समझा दिया गया था और 98 में आडवाणी जी के पास जब भी बिल हमने भी मांग की, उन्होंने क्या किया, दिल्ली के 2 हिस्से करने के लिए प्रपोजल आ गया जिसमें लाल किले से शुरू करें कि प्रधानमंत्री लाल किले जाता है, राजघाट जाता है, ये जाता है, वो जाता है, और एयरपोर्ट और लुटियन जोन जिसको आप ये नई दिल्ली इसको अलग रख लेते हैं कैपिटल, और बाकी को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देते। इसके ऊपर फिर सब ने कहा कि इससे तो हमारा जो चल रहा है वो ठीक है, क्योंकि जो मेन वो हट जाएगा फिर झगड़े रहेंगे, टैक्सेशन अलग होगा, ये अलग होगा, पानी सीवर कैसे जाएगा, तो उसमें अंत में फिर यही तय हुआ कि जो चल रहा है इसी में हमें काम करने की थोड़ी स्वायत्तता और मिले। शीला 15 साल रही, कोई दिक्कत नहीं, सरकार मनमोहन की भी रही, अटल जी की भी रही, और मेरा ये मानना है कि कानूनों में उलझने की जरूरत तो जब पड़े ना, अधिकार मेरा परमानेंट क्या चीज़ है, मैं रहा मान लो 25-30 साल राजनीति, मेरा क्या है, दिल्ली के अंदर ना तो कोई पेंशन है, ना किसी MLA को या उसके मिनिस्टर को मकान मिलता है, ना और कोई सुविधाएं जो अन्य राज्यों, दिल्ली में सेवा के लिए जो आते हैं लोग, आओ भाई। वैसे भी दायित्व तो साथ चलना चाहिए, अधिकारों का बोध है तो दायित्वों का भी बोध होना चाहिए। श्रीमान ने तो पहली बार आते ही 2013 में आया ना, तो रेलवे भवन के आगे लेट गया था 3 दिन, क्या कहा था, घोषित रूप से मैं अराजकतावादी हूँ, आई एम एन अनार्चिस्ट, कहा मुख्यमंत्री रहते, और 20 दिन में चला गया। अचीवमेंट क्या है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री DTC, फ्री ये, फ्री ये, फ्री ये कोई अचीवमेंट है क्या, तो अपनी जेब से दे रहे हो क्या? आपको ये बताओ सड़कों क्या हाल है दिल्ली का, पेरिस हो गया, लंदन हो गया, दिल्ली बाढ़ आई थी 2 दिन में भाग गए, बेंगलोर में जाके बैठ गए, और शीश महल के 100 मीटर तक पानी आ गया, जो सो काल शीश महल है 100 करोड़ का, वहाँ 100 मीटर तक पानी आ गया था, वो थोड़ी ऊंचाई पर है, आपने तो सारा एरिया पैदल भी तो बच गया। परंतु मेरा ये मानना है कि केजरीवाल जी, भारत सरकार है, कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, भारत सरकार दिल्ली के अंदर पूर्ण अधिकार के साथ राज्य करे ये आवश्यक है, क्योंकि लखनऊ में एक बार TN सिंह थे मुख्यमंत्री, और उन्होंने 2 महीने ही बने थे, उन्होंने क्या कहा, मैं लखनऊ में इंदिरा गांधी के जहाज को नहीं उतरने दूंगा, तो सरकार 2 महीने में आज गए। ऐसे पागल मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी से आ सकते हैं डॉक्टर साहब। चलिए ये तो एक अलग विषय हुआ, और जिस तरीके से कल संसद में गृहमंत्री ने कहा कि दिल्ली से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना है, इसलिए ये बिल लाया गया है, और भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने शीश महल का भी उठाया, उन्होंने राज्यसभा के अंदर और तमाम चीज़ें उठाई, शराब घोटाले का भी उन्होंने मामला उठाया, तो एक तो उनकी बात पर मेरे को आपसे टिप्पणी चाहिए, दूसरा शराब घोटाले का जब जिक्र आता है और भ्रष्टाचार का जिक्र आता है तो आपने पहले भी कहा था कि इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इसके दायरे में अवश्य आएंगे, आपकी प्रतिक्रिया? आज इसमें भी अब किसी को संदेह है क्या कि आखिर चुनाव कोई भी लड़ता है, मैंने भी चुनाव जीवन में 8 चुनाव लड़े, कोई जो चुनाव लड़ने वाला एक जगमोहन जी के अलावा शायद 2-4 और मेरे सामने आके कहे कि मैंने पूर्णतः ईमानदारी से नियमों के अनुसार चुनाव लड़ा है, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं लड़ पाया हूँ। चुनाव के अंदर जितनी रकम कहते हैं खर्च नहीं,
उसके अंतर्गत चुनाव लड़ना, लोगों से गलत लोगों से सहायता ना लेना, रुपया ना लेने वाले कितने कैंडिडेट हैं, इस लोकतंत्र के अंदर भ्रष्टाचार होना लगभग आवश्यक हो गया। ऐसी बीमारी है कि जिसके बिना कोई सरकार नहीं चला सकता। ये बड़ी बात कह रहा हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से बड़ी बेबाकी से बोल रहा हूँ, बेबाकी से कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार होगा, परंतु कितना हो और किस कोई तो लिमिट होगी या नहीं होगी। मतलब पहले आटे में नमक कहा करते, लोग भी इतना मानते हैं, दुकानदार कहते हैं नहीं साला आता है, 40 इंस्पेक्टर आते हैं साल में, कोई 500 रुपये ले जाता है, कोई 2000 ले जाए, कोई 5000 ले जाए, कुत्तों की तरह आते हैं चुप कराने के लिए, भौंकने बंद हम दे देते हैं। ये शब्द मैं बेबाकी से कह रहा हूँ, कुत्ता शब्द कह रहा हूँ, जो भी रिश्वत लेने आता है, काउंसलर भी आते होंगे, MLA भी आते होंगे, सांसद भी, जो आदमी अपने रौब से पैसा मांगता है उसको आप ब्लैक मेलर भी कह सकते हैं, कुत्ता भी कह सकते हैं, परंतु इस व्यवस्था को इस लोकतंत्र में बचाना बड़ा मुश्किल है। मैंने इसके लिए कोशिशें की, पहली बार चुनाव सुधार के अंदर शामिल कराया डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, इनकम कितना खर्चा किया, किससे पैसा आया, कुछ सुधार उससे शुरू हुए परंतु वो बल्क में जाके हो गए, इंडिविजुअल के कम हो गए तो पार्टियों के नाम पर हो रहा है। अभी ये मिटना चाहिए, आम आदमी जागरूक बनेगा तो मिटेगा ना। नहीं, आपको क्या लगता है अगला नंबर केजरीवाल का है? केजरीवाल का 2023 में शत प्रतिशत टाइमिंग हो सकती है वो दिवाली से 10-15 दिन पहले जाएं या बाद में जाएं, अंदर जाएंगे और जमानत जैसे सिसोदिया की नहीं हो रही, सत्येंद्र जैन की नहीं हो रही, इनकी भी नहीं होगी, क्योंकि सारे वो तथ्य, आखिर अमित शाह हाथ डालने से पहले गुजराती है, सारे सबूत इकट्ठा करके मुंह पे बोल दिया केशव राव को। केशव राव पता कौन है? BRS का, TRO वाले का, उसका सदन का नेता है, कि आपकी मजबूरी है क्योंकि आपका नाम भी मुख्यमंत्री की लड़की कविता का नाम है और जेल में इकट्ठे जाएंगी। 100 करोड़ रुपए लिया है तो कहाँ छिपा के रखोगे भाई? तुम कह रहे मेरे घर में तो नहीं मिला, अब नंद किशोर घर के घर में ना मिले और लेके अतुल के घर रखता रहे या गोवा भेजता रहे तो खर्च कर दिया उसको, नहीं खर्च भी एक दिन में थोड़ी कर दिया, ये चुनाव कहाँ से लड़े हैं? कोई मुझे जो चुनाव लड़ता है किसी स्टेट में भी वो 50-100-200 करोड़ रुपए से कम खर्च करता है क्या? कोई भी पार्टी नहीं कर इतना। मीडिया महंगा है, पत्रकार महंगे हैं, व्यवस्थाएं महंगी हैं, चुनाव लड़ना कोई आसान काम है, तो इसलिए श्रीमान जी की तैयारी है। क्लेम मत करो, इस देश की जनता मानती है थोड़े बहुत बेईमान है तो कोई बात नहीं, और मैं कहूँ मैं तो 100% नहीं मानता, मैं साला किसी से ये कहूँ, मैं ये लोगों को सबको गाली दे, सबको भ्रष्ट बताऊँ, सबको चोर बताने वाला उन्हीं के साथ बैठा हूँ आज। इसका मतलब तुम उस ये भी तो कहता था अगर मैं भी इस कुर्सी पर बैठूँगा तो बेईमान हो जाऊँगा, तो हो गया हो गया ना। चलिए देखते हैं अब क्या होगा आने वाले दिनों। होना क्या, जो जैसा कर्म करेगा, भगवान गीता में बहुत स्पष्ट कहा है कि मैं कुछ नहीं करता, तुम कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो उसका तुम्हारे पे वापस आना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंद किशोर गर्ग। और कुल मिलाकर कहा जाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ज़्यादा शक्तियां लेने के फेर में या भ्रष्टाचार करने के नाम पर उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली में खेल किया है उसको लेकर उनके पर कतरने पड़े केंद्र सरकार को। और डॉक्टर नंद किशोर गर्ग ने एक तरीके से भविष्यवाणी की है कि दिवाली के आसपास भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का नंबर आ जाएगा, पर अगला नंबर उनका है जेल जाने का, क्योंकि जो शराब घोटाला हुआ है उसके असली मास्टरमाइंड डॉक्टर नंद किशोर गर्ग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि उनकी सहमति के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। अब देखने वाली बात यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।